This conference will now be recorded. तो हमारे लिए क्या था, हम यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, सबके सुने दे रहे, तो साउंड क्लियर है? तो देखो, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग जो बैठा रहते हैं विनवर्ट, अब एक्सटर्नल और इंटरनल में, तो हम लोग क्या लिए थे, यहाँ पर लिए थे विंडवर्ड वॉल के लिए, ऐसे करके कैलकुलेशन हुआ। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर निकल चुका है, तो 6.74 किलोमीटर पर मीटर से हमें क्या देना है, विंडवर्ड प्रेशर देना है। किस किस साइड में देना है? विंडवर्ड वॉल के लिए। अब विंडवर्ड वॉल के लिए कैसे हम लोग वहाँ पर बैठाएंगे, वहाँ पर प्रेशर जो विंडवर्ड जो लोड है उसको, तो वो जो है कैसे बोल रहे थे, अब किस डायरेक्शन से दोगे उसके ऊपर से हमें विंडवर्ड बोलेंगे उसके लिए। ठीक है, एक विंडवर्ड है, एक लीवर्ड है। ठीक है, अब विंडवर्ड वॉल भी है, रूफ भी है, और लीवर्ड रूफ और लीवर्ड वॉल यहाँ पर डिसाइड किया गया। अब समझो कि इस साइड से आ रहा है तो विंडवर्ड वॉल ये सब में आएगा, रूफ कहाँ पे बैठेगा, रूफ साइड में, ये सब के लिए रूफ बैठेगा। और लीवर्ड क्या है, लीवर्ड इस जो हिंज है, हिंज के बगल से जो आएगा, साइड से आएगा, ये सब लीवर्ड हो जाएगा। तो इसमें लीवर्ड प्रेशर पड़ेगा, और इस वॉल में जो साइड का वॉल है वो लीवर्ड वॉल बोला जाएगा। उस साइड जब विंड के कैलकुलेशन इस साइड से करोगे, मतलब पॉजिटिव एक से डालोगे तो, और दूसरे साइड से डालोगे तो उसको घुमा देना पड़ेगा। इसमें भी लीवर्ड विंडवर्ड प्रेशर पड़ेगा, तो इसके सर बीम के लिए बिठाएंगे बाद में। तो वही स्ट्रक्चर पुट किया गया है, कैसे करके पुट किया गया, वही लिया गया है, एक्स डायरेक्शन विंड, एक्स डायरेक्शन विंड माइनस एक्स डायरेक्शन विंड, जेड डायरेक्शन विंड माइनस जेड डायरेक्शन से लिया गया। तो क्या क्या बिठाया गया है, वही देखो 6.74 बिठाया गया, कहाँ पे, इस साइड में, इस साइड में बैठाया गया ये सब। अब इसमें क्या है, इंटरनल है, तो इंटरनल ब्लू कलर से दिख रहा है, तो हम लोग क्या किए थे, ऊपर से जाके सिर्फ इंटरनल को सिलेक्ट करके उसके साइड से हम लोग क्या प्रेशर दिए थे, 6.74। तो ही प्रेशर पड़ रहा था कैसे, रूफ में, तो रूफ में पड़ रहा था, रूफ के लिए विंडवर्ड डायरेक्शन दिए थे, तो 4.66 करके दिए थे। उसके बाद 3.79, एक इसको क्या बोल रहे थे, लीवर्ड जो एक्सटर्नली बैठेगा, एक्सटर्नल प्रेशर के लिए बैठेगा, एक्सटर्नल राफ्टर के लिए बैठ रहा है। ठीक है, सब कुछ देखो, और इसको क्या बोले थे, इसको बोले थे 2.89 जो लीवर्ड वॉल के लिए पड़ेगा, 81। तो वही हम लोग यहाँ पर देखे थे कि 2.81 लीवर्ड वॉल के लिए पड़ रहा है। इस साइड से देखोगे तो ये जो ब्लू कलर से है दिखाई दे रहा है, पर तो उसके बाद क्या लिए थे, उसके बाद उसके लिए ही ये सारा चीज को घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स से हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर माइनस एक्स डायरेक्शन में दे रहे थे, तो माइनस करके जी एक्स बोला गया था। जी एक्स क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में पड़ रहा है। ठीक है, अब जी वाई डायरेक्शन में इसको बोल रहे थे, तो उसके लिए माइनस दिया जाए, मतलब माइनस बैठने का कोई जरूरत नहीं है, जहां पे है उस साइड में वाई डायरेक्शन में पड़ रहा है, ये सब के लिए दोनों, पर इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन यहाँ पर है, हम लोग के क्या फिक्स करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो लीवर्ट वॉल यहाँ पर पड़ रहा है, तो लीवर्ट वॉल के लिए यही 2.81 जो यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर हमें यहाँ पर दिखाया गया कि 2.81 लीवर्ट वॉल के लिए। अब लीवर्ट वॉल जब उस साइड से आएगा तो क्या होगा, उसके लिए माइनस देना पड़ेगा, मतलब तुम एक्स डायरेक्शन में दे रहे हो, तो माइनस एक्स डायरेक्शन से लीवर्ट वॉल के लिए ऊपर की पड़ रहा है इस साइड में, तो उसी लिए हम लोग यहाँ पर माइनस से डिफाइन कर रहे हैं। ये सब क्या हो गया, इंटरनल के लिए हो गया, और एक्सटर्नल जो राफ्टर बाकी है वही है कि प्लस करोगे माइनस करोगे करके घुमा दोगे, लीवर्ट लीवर्ट वॉल रहेगा, लीवर्ट रूफ रहेगा, विंडवर्ट रूफ रहेगा, विंडवर्ट वॉल रहेगा, 3 पॉइंट से। तो वही चीज फिर से किया गया है, देखना उसमें जाओगे तो देख पाओगे कि वही चीज इसमें फिर से नेक्स्ट फोर्स से किया गया। इसमें देखो एक्सटर्नल के लिए पड़ रहा है, एक्स डायरेक्शन में एक लीवर्ट हो गया, और वही चीज इसमें माइनस करके घुमाया गया है, नेक्स्ट लास्ट फोर जो है लोड, वही 3.369, वही 3.369 घुमाया गया है। अब क्या बोल रहे हो, प्लस जेड माइनस जेड, प्लस जेड माइनस जेड को जो जेड डायरेक्शन से लिए देंगे उसके लिए देखो साइड वॉल बोला गया, साइड वॉल,
अब साइड वॉल के लिए एक्सटर्नल जो है वो ऐसे करके पड़ रहा है, इंटरनल जो है ऐसे करके पड़ रहा है, मतलब एक्सटर्नल के लिए ये पड़ रहा है, इंटरनल के लिए क्योंकि ये सब इंटरनल के लिए था तो इंटरनल। तो देखना कि 3.79 जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए थे, 3.79 ये वाला प्रेशर, ये वाला प्रेशर किस डायरेक्शन से पड़ रहा है, प्लस जेड डायरेक्शन बोल रहे तो उस साइड से आएगा। तो ये वाला वॉल क्या हो जाएगा उसके लिए विंडवर्ड लीवर्ड हो जाएगा इसमें, और उसी प्रेशर को जब घुमा देंगे माइनस जेड से तो इस तरफ से पड़ेगा, तो इंटरनली वही 3.79 ये वाला हो जाएगा लीवर्ड, और ये वाला हो जाएगा जो साइट वॉल के लिए पड़ रहा है, मतलब विंडवर्ड लीवर्ड हो गया, और उसके लिए आउट मतलब एक्सटर्नल जो है ये सब इंटरनल के लिए हो गया, एक्सटर्नल के लिए जो बोला गया था ये वाला। तो इसके बाद हम लोग क्या क्या करेंगे, लोड कॉम्बिनेशन जो कल दिखाया गया था ऑटो जेनरेट कर सकते हो, या तुम तुम्हारे तरीके से लोड कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसमें मैनुअल करके भी ऑप्शन है उसमें, पर हम लोग इतना सारा लोड ले रहे हैं तो ऑटो लोड जेनरेट कर लिए, तो उसके उस हिसाब से वो क्या करेगा फैक्टर ऑफ सिक्योरिटी के साथ वो कैलकुलेशन करेगा। अब कैलकुलेशन हम लोग हो जाएगा तो हम लोग के पास क्या करना है, देखना है कि सही हुआ है कि नहीं जो हमारा जो एनालिसिस है। तो यहाँ पर देखते हैं कमेंट के कल दिए थे नॉन प्रिंट एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस है यहाँ पर, तो एनालिसिस करो डायरेक्ट। ये सब हम लोग कल कल पुट कर लिए थे, तो इस हिसाब से तुम एनालिसिस कर सकते हो, या डिजाइन करके भी एनालिसिस कर सकते हो, या से एनालिसिस करोगे तो भी आउटपुट फाइल से तुम हर हर कोई लोड के लिए देख सकते हो क्या क्या लोड अप्लाई हुआ है और उसके लिए क्या क्या रिएक्शन आएगा भी चेक कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं एक बार में डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद उसके लिए असाइन कर देखेंगे कि क्या है, नहीं तो तुम यहाँ से भी व्यू गो टू आउटपुट सेक्शन में जाने के बाद उसमें देख सकते हो क्या चीज हो रहा है उसमें। ओके करो डन करो। ओके तो ये सबके लिए आ जाएगा यहाँ पर, किसके लिए क्या देखना चाहते हो, डेड लोड पड़ रहा है तो बीम के सेक्शन के लिए क्या निकल रहा है, एमजेड के जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है क्या है, सबके लिए दिखाएगा ये सब। ये हम लोग देख चुके हैं कैसे करके देखते हैं, यहाँ पर तुम एनिमेशन में जाके डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हो, या से भी हम लोग डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हो। बीम में डिफ्लेक्शन देखना है तो डिफ्लेक्शन के लिए डिफ्लेक्शन में जाओ, और ये जो हरा वाला सेक्शन है उसके लिए डिफ्लेक्शन दिखाएगा, डेड लोड के लिए विंड लोड के लिए ये वाला सेक्शन ऐसे करके डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो ये कर्व के थ्रू और यहाँ पर सबके लिए वैल्यू आएगा, और हम क्या करेंगे हम डायरेक्ट डिजाइन करेंगे, मतलब मॉडलिंग कर चुके हैं एनालिसिस कर चुके सही में सब कुछ बैठा है यहाँ पर, अब किसी भी तरीके से छूट जाएगा तो वो यहाँ पर एरर दिखाएगा, मतलब समझो कि यहाँ पर कुछ असाइन करना छूट गया, मतलब यहाँ पर असाइन किया है सब कुछ अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज असाइन नहीं हुआ है तो वहाँ पर एनालिसिस में एरर दिखाएगा, इस एनालिसिस में एरर दिखाएगा क्योंकि तुम जो इनपुट डाल रहे हो तुम्हारा इनपुट के मुताबिक वो आउटपुट नहीं देख पा रहा क्योंकि इनपुट जो डाला गया है गलत डाला गया, तो उसके लिए इस एनालिसिस में एरर देता है, तो इसमें देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या नहीं है। तो धीरे से अच्छे मतलब सही तरीके से अच्छे तरीके से धीरे करके सब कुछ एक एक करके असाइन करते और देख लेना, एक बार असाइन करने के बाद देख लेना कि सही तरीके से असाइन हुआ कि, जैसे कि कल हम लोग देखे थे कि यहाँ पर टेंशन अप्लाई नहीं हुआ था तो इसके लिए सिलेक्शन नहीं हो रहा था टेंशन अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज असाइन नहीं हुआ था, तो वही चीज। तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएगा डिजाइन सेक्शन, अब डिजाइन सेक्शन में कंक्रीट का डिजाइन नहीं करेंगे, ठीक है कंक्रीट का डिजाइन हम लोग देख चुके कंक्रीट कैसे डिजाइन किया जाता है, अब स्टील का डिजाइन करें। अब स्टील का डिजाइन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोट यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर लिया गया है देखो स्टील के देखने के लिए IS 800 है तुम्हारे पास कोट, तो 800 का तुम्हारे यहाँ पर लिमिट स्टेट डिजाइन लिया गया LSD, LSD WSD नहीं लिया जाता है, अब मतलब
है, सिर्फ देखना एलएसडी रहेगा, मतलब वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन नहीं होगा स्टील के लिए, सिर्फ एलएसडी फॉर्म डिजाइन होगा, लिमिट स्टेट डिजाइन होगा उसमें। तो ऐसे करके भी हम लोग उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए जानना पड़ेगा क्या क्या है नहीं है, और डिफरेंट डिफरेंट कोड भी इस्तेमाल किया जाता है स्टील के डिजाइन के लिए। जैसे कि समझो कि तुम इसमें देख के जो कोड अप्लाई करना चाहते हो उस मुताबिक वो क्या होगा, डिजाइन होगा उस। तो इंडियन कोड यहाँ पर दिया गया है, इंडियन कोड के मुताबिक अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, या तुम तुम्हारे तरीके से डिफरेंट कोड भी चूज करके उसमें असाइन कर सकते हो, उसमें मटेरियल क्या होगा, क्या कैसे डिजाइन हो सकता है, तुम्हें क्या करना है उस कमांड के मुताबिक, उस कोड के मुताबिक, उस कमांड के मतलब वो क्या पढ़ रहा है, क्या देना है उसमें, वो फाइंड आउट करके उसमें क्या करना है, कमांड में असाइन करना है, मतलब किसको चाहिए तुम कैलकुलेट पोर्शन, तो वो क्या कर देगा, डिजाइन पूरा करके डिजाइन करके दे देगा ये। तो चलो करते, समझो कि हमने डिफरेंट कोड चूज करते, समझो कि मैं चूज करता हूँ AISCASD, मतलब क्या है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग क्या डाल रहे हैं, ASD अलाउबल स्ट्रेस डिजाइन हो रहा है, किसके लिए, स्टील के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से समझो कि पैरामीटर चॉइस करते पहले, जो हम लोग देखे थे डायरेक्ट करके डिफाइंड पैरामीटर करेंगे तो क्या आएगा, सब आएगा यहाँ पर, तो यहाँ से चूज करके भी दे सकते हैं एक एक करके जो चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या करते पहले सिलेक्शन करते, जो कॉन्क्रीट डिजाइन में सिखाया जाए तो पहले सिलेक्शन करो जिसको चाहिए और उसके हिसाब से वो वहां पर डालने का कोशिश करो क्या है उसमें। तो अवेलेबल पैरामीटर में ले आओ और जो जो चाहिए सिलेक्ट कर दिया। तो स्ट्रेंथ तो चाहिए, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, अब ए जो है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ए हम देंगे किसके किसके लिए, ए ड्राफ्ट मतलब जो राफ्टर है राफ्टर के लिए देंगे, और ब्रेसिंग के लिए देंगे, पूरा राफ्टर का जो सेक्शन है बीम के स्टील जो पड़ रहा है यहाँ पर देंगे, और ब्रेसिंग के लिए देंगे, दो दो देंगे इसमें। और ठीक है, अच्छे यूएनबी, यूएनबी क्या है बोल देते हैं वहां पर, यूएनबी और यूएनटी, टॉप टॉप और बॉटम, पहले टॉप लेंगे उसके बाद बॉटम, ओके। बीम के लिए मतलब बीम बोल रहे हैं, एक बैठेगा उसमें दो दो करके बैठेगा, एक ये सारा बीम के लिए बैठाएंगे, सारा बीम के लिए, और एक ऊपर का राफ्टर के लिए बैठाएंगे। वो हम लोग कहाँ से चूज करेंगे, चूज करेंगे हमारे पास जो सेक्शन है जो वहां पर दिया गया है कैलकुलेशन में, जो हम लोग डिजाइन देख रहे थे और कैड में, तो उसी में से पता चल जाएगा ये क्या कितना लेंथ डालना चाहिए, समझो कि इसको ही लेते डिफाइन करते हैं। अब फास्ट डालेंगे किसके लिए दिखा देते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील किसके लिए बैठा रहे, समझो कि एक बार डालेंगे, डाल के असाइन करके बोल देंगे कि किसके लिए बैठ रहा है उस। तो इसमें बैठ रहा है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, जो चीज से ये बैठ रहा हूं मैं, 345, 345 अब किलो न्यूटन है, तो हम लोग जानते हैं, 1 2 3 ऐड करो, ठीक है, ये कहाँ पे पड़ रहा है इसको असाइन करने के लिए, ये जो चीज आ गया है यहाँ पर इसको असाइन करने के लिए, अब देखो यहाँ पर एक पैरामीटर असाइन हुआ, इसको डिलीट करो, ASD define वहाँ पर इंडियन कोड सिलेक्टेड था वो भी ऐड हो चुका था, 345000 ऐड करो, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, एक किस स्टील के ऊपर पड़ रहा है दिखा दे,
आ चुका है। बॉर्डर ऊपर में जाओ, सिलेक्शन करो सबको। अब सिलेक्शन हो गया है, अब क्या करना है, व्यू में जाओ, या हम लोग दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, समझो कि इसको ऐसे कर, फिर से बोल दे, ये चीज हमें देना है कहाँ पे, इस स्ट्रक्चर स्टील का स्ट्रक्चर में हर जगह पे पड़ रहा है, ब्रेसिंग को छोड़ के, ब्रेसिंग का स्ट्रक्चर छोड़ के, तो वैसे करके सिलेक्शन करके भी हम लोग चूज कर सकते हैं, या एक बारी में कैसे सिलेक्शन करना है वो चीज दिखा देते हैं, फिर से दूसरा तरीका भी है, तो सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद बाय स्पेसिफिकेशन में प्रॉपर्टीज नेम से साथ भी सिलेक्ट करना है, तो हमें कहाँ पे देना है, ब्रेसिंग का अलग देना है, तो ब्रेसिंग का जो यील्ड मैक्सिमम स्ट्रेस है स्टील का वो अलग देके, और ये जो दिखा दिया गया है 345 का जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, तो उस हिसाब से इसको कहाँ पे देना है सब, तो इसको छोड़ के, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबाने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, या तुम व्यू के साथ भी जो हम लोग पहले कर रहे थे उसके साथ भी कर सकते थे एक एक करके, तो ऐसे करके भी कर सकते हो, या पूरा खींच के भी कर सकते हो, ऐसे कर लास्ट वाले को छोड़ देना, तो देखो पूरा चीज यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, इसको हम लोग ज्यादा स्ट्रेंथ देंगे, एल स्ट्रेंथ ब्रेसिंग के लिए, तो इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो सिलेक्शन है तो सिलेक्ट हो चुका है, असाइन टू सिलेक्टेड भी असाइन कर देंगे, ऐसे असाइन हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रेसिंग के लिए इंस्टेंट का देना है, तो उसके लिए क्या करना है, फीचर डिफाइन इसमें है, इसको चेंजेस करके 1200 किलोन्यूटन 1 2 3 एट। अब इसको फिर से तुम व्यू से साथ भी सिलेक्ट कर सकते ऊपर से, और सिलेक्शन में जाने के बाद बाय स्पेसिफिकेशन में जाके प्रॉपर्टीज में सिर्फ किसको करो जो उसका प्रॉपर्टी से राउंड करके लिया गया था, तो इसको लेने के बाद क्लोज, क्लोज के बाद असाइन कर दो इसको, ये वाला चीज है, तो इसको पहले सिलेक्शन करो उसके बाद सिलेक्ट, क्लोज ऐसे, उसके बाद जो यहाँ पर था अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ बॉटम फ्लेंज, जो बॉटम मतलब फ्रेंच का जो बॉटम लेंथ है वो देना पड़ेगा, और टॉप लेंथ है उसको देना पड़ेगा, ठीक है, तो फ्लेंज का जो बॉटम लेंथ है और टॉप लेंथ है वो कहाँ से मालूम चलेगा, आप यहाँ पर दिया गया है फॉर बेंडिंग कैपेसिटी के लिए, तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो फ्लेंज का जो दिया गया है इसको इसके ऊपर, तो इसके ऊपर जो अनसपोर्टेड जो लेंथ है वहां पर किस किसके ऊपर से डिजाइन होगा, बॉटम और टॉप के लिए, तो बॉटम और टॉप के लिए यहाँ पर देखना कि दिया गया है 1.1, ये क्या है टॉप में है, टॉप साइड में है, तो 1.1, और बॉटम साइड के लिए मतलब इसके लिए बॉटम साइड में देख सकते हो ये भी तुम्हारा 1.1 से भी डिजाइन किया गया, तो 1.1 लोगे तो बॉटम में लोगे मतलब टॉप, पहले टॉप डिजाइन करोगे उसके बाद बॉटम डिजाइन करो, तो बॉटम में लिया गया, टॉप में लिया गया है 1.1, टॉप में मतलब ये जो टॉप में डिजाइन हुआ है 1.1 पार्ट सेक्शन से लिया गया है, तो इसको ही हम लोग क्या करें बिठाएंगे वहां पर, और बॉटम का स्ट्रक्चर में देखने का कोशिश करते हैं कहाँ पे दिया गया, असाइन किया गया कि नहीं, एक रहेगा ऊपर का फ्लेंज के लिए, फ्लेंज का पिन जो हो रहा है यहाँ पर इसके लिए डिजाइन होगा स्टील का, और एक नीचे के लिए डिजाइन होगा, ए साइड के लिए भी डिजाइन होगा,
तो समझो कि अपन कितनी पर है, तो 1.1 इसमें डिजाइन नहीं, तो हम हमारे तरीके से कट कर समझो, तो बॉटम के लिए लेते हैं, टॉप के लिए लेंगे, पहले टॉप के लिए लेंगे 1.1 मीटर, ऐड करो बॉटम में चले जाओ फ्लेंज के लिए, फ्लेंज का प्लेंज हो रहा है वो, तो बॉटम फ्लेंज के लिए अपर हो रहा है 2.2 डबल ऐड। तो कैसे डिजाइन करना है इसको इसमें, तो कैसे सिलेक्शन करते हैं इसको, व्यू से ऊपर में जाओ, इसको सिलेक्ट करो, सबको एक एक साथ सिलेक्ट करते हुए जाओ, सिलेक्ट हो गया है, अब व्यू में जाओ, जिसको रहना चाहिए उसको रहने दो, उसके बाद घुमा लो स्ट्रक्चर को इस तरीके से, देखो इसको कहाँ पे देखे, इस साइड में टॉप में, तो सिलेक्शन कर लो, देखो पूरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, हो चुका है, तो उसके लिए असाइन कर, उसी में ही क्या करना है, बॉटम के लिए करना है, तो अब इस साइड का हो गया है, अब फ्लेंज के लिए जो कॉलम सेक्शन है, कॉलम सेक्शन का अनसपोर्टेड लेंथ टॉप में और बॉटम में, तो इसमें क्या है देखते हैं, इसका जो लेंथ दिया गया है 2.34 करके लिया गया, तो समझ के पुट करते हैं यहाँ पर, इसे डिफाइनिंग पैरामीटर में जाने के बाद 2.34 एट 2.34 एक ही रख रहे, चेंज नहीं कर रहे टॉप और बॉटम के, असाइन कर लो, तो ऐसा है, अब देख लेना कि सबके ऊपर से आ रहा है कि इसमें से, देखो सब आ रहा है, फिर से ऐसा है, उसके बाद क्या करना है, कमेंट में जाना है, तो पूरा को इसमें देखना कि कैसे करके लिया जाएगा चेक, पहले लिया जाएगा चेक कोड, कोड के हिसाब से जो कमेंट देना है उसके लिए चेक करना है, उसके बाद फिक्स्ड ग्रुप करके दिया गया, मतलब कोई ग्रुप के लिए असाइन कर दो कोई स्ट्रक्चर, उसके लिए मेंबर टेक ऑफ, मतलब एक एक मेंबर को अलग अलग से डिजाइन करना चाहते हो तो मेंबर टेक ऑफ करके ले सकते हो, या टोटल टेक ऑफ करोगे तो चेक लोड करने के बाद टोटल टेक ऑफ करोगे तो एक सर में ही सबको डिजाइन कर देगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सिर्फ बेसिक में चेक लोड में डालते हैं, ऐड करते हैं और टोटल टेक ऑफ के लिए ऐड करते हैं, मतलब टोटल को कैलकुलेशन करके वो डिजाइन कर देगा, तो ऐसे करके आएगा चेक कोड किसके लिए, पूरा डिजाइन के लिए, तो ऐसा विद व्यू ऐसा स्टील्स, इसको भी पूरा स्ट्रक्चर के लिए बैठेगा, तो ऐसा टू फिल टोटल आ चुका है, फिनिश हो चुका है, अब देखते हैं एनालिसिस करते, तो पोस्ट प्रोसेसिंग मोड डन, समझो कि डिफ्लेक्शन देखना है, एनिमेशन डिफ्लेक्शन, ओके, तो एक्स में के लिए जो डिफ्लेक्शन आएगा ऐसे करके आएगा, सेट के लिए भी ऐसे करके,
इसमें थोड़ा ज्यादा लोड है, इसको दिखाई करो। इसने -8 के लिए दिखा रहा है ऐसे करके, डेड लोड में थोड़ा देख पाओगे, वीडियो में देख नहीं पाओगे, ऐसे करके देखो, थोड़ा डिफ्लेक्शन आएगा ऐसे करके। एक एक बीम के लिए असाइन करके देखना चाहते हो तो, वैल्यू देखना चाहते हो तो कट करके देख लेना, क्रॉस सेक्शन से ऊपर से, ऊपर से आने के बाद कट करके देख लेना उसके लिए, समझो कि उसके लिए देखना है तो ऐसे करके रहेगा। तो स्टील डिजाइन इसमें स्टील का क्या क्या लेना पड़ेगा, क्या क्या डिजाइन हो रहा है, आई सेक्शन है उसमें, टेपर टाई लिया गया था, डिजाइन का सेक्शन भी दिया गया, कैसे कैसे मटेरियल पड़ेगा, कहाँ पे प्रॉपर्टीज इसमें दिया गया है, डिफ्लेक्शन दिया गया है, शेयर बेंडिंग उस बीम के लिए, और कैसे दिखा जाता है, कैसे कैसे चेक किया जाता है, हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी लेंथ के लिए वैल्यू लाएगा तो क्या क्या चेंजेस होगा उसके लिए, FY में, MZ में, वो सब कुछ यहाँ पर देख पाओगे। और तुम क्या कर सकते हो, शो रिजल्ट में जाके भी रिजल्ट शो कर सकते हो, रिजल्ट रिजल्ट में है तो व्यू वैल्यू करके भी तुम्हारे तरीके से क्या क्या देखना चाहते हो, मैक्सिमम मिनिमम एनोटेट करोगे किस बीम के लिए, किस स्ट्रक्चर के लिए, वो आ जाएगा। तो ये सब हम लोग देखे थे, स्ट्रेस के लिए देखना चाहते हो तो सिलेक्शन करके देख सकते हो कहाँ पे क्या क्या स्ट्रेस पड़ रहा है, किधर किस पॉइंट में तुम उसमें सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर दिखेगा इस पॉइंट के लिए क्या स्ट्रेस है। और रिपोर्ट जेनरेट करो तो जो जो रिपोर्ट यहाँ पर है पूरा रिपोर्ट वहां पर आ जाएगा, उस रिपोर्ट के लिए कौन से कहाँ पे क्या क्लिक करना पड़ेगा, जब प्रिंट करना चाहते हो, मतलब कमेंट दे रहे थे, मतलब यहाँ पर कमेंट दे रहे थे जो एनालिसिस प्रिंट में, तो क्या क्या निकलना है उसमें, ऑल है तो ऑल के लिए सब कुछ शो करेगा वहां पर, ठीक है। अब प्रिंट नहीं करोगे तो वहां पर सिर्फ आएगा पर शो नहीं करेगा। ये चीज हो गया है, अब हमें क्या करना है, अब इसको पूरा फिनिश करके एक साथ जो दिखाया गया है उसको करके तुम इसके लिए प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो दिखाया गया था उसी को करो तो एक प्रोजेक्ट करके भी अपलोड कर सकते हो, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद देखना कि सबमिट करने को बोलेगा प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा वो कल बताएगा, पर कोई भी एक वर्क मतलब जो हमने सिखाया है तुम तुम्हारे तरीके से डिजाइन लेके तुम्हारे ऊपर डिजाइन करके उसको अपलोड कर सकते हो वर्क को, ठीक है। तो ये तो एक दिखाया गया मतलब 3-4 दिन लेके दिखाया गया कि कैसे करके हो सकता है, पहले उसका स्ट्रक्चर लेके उसके फॉर्म को डिजाइन किया गया, मतलब जियोमेट्रिकल फॉर्म डिजाइन किया गया, उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर्टीज डाला गया है, प्रॉपर्टीज के बाद लोड डाल के उसके बाद स्टील का डिजाइन किया गया है, तुम्हारा कोड चूज करके कहाँ पे क्या असाइनिंग होगा उसके हिसाब से डिजाइन कर दिया है वो स्टील का डिजाइन, डिजाइन पोर्शन। अब हमारे पास क्या एक चीज और बाकी था उसमें कि फाउंडेशन डिजाइन कैसे करना था, नीच का जो फाउंडेशन होता है फाउंडेशन डिजाइन कैसे करना, तो तुम तुम्हारे तरीके से जो बिल्डिंग का डिजाइन कर रहे थे उसके ऊपर से फाउंडेशन डिजाइन चालू कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से एक सिंपल सा एक मतलब एग्जांपल दिखा के मतलब फिर से उसमें लोड दे के डिजाइन करके दिखा दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि याद आ जाएगा कि क्या क्या कर रहे थे बेसिक में, क्या क्या कर रहे थे और उसके बाद क्या क्या ऐड करोगे, एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो एक्स्ट्रा ऐड होगा, बहुत सारा कुछ कर सकते हो उसमें। तो एक सिंपल का स्ट्रक्चर का फाउंडेशन डिजाइन करते हैं, तो चलो न्यू फाइल लो, सभी को एक 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 करके लोड करना है। अब तुम एक जिसके पास नहीं है, समझो कि इंस्टॉल नहीं है सॉफ्टवेयर, तो दूसरा जोन करेगा ग्रुप में करके आप दे देना फाइल को। तो कहाँ पे क्या करना है कल, मतलब कल मैं दिखा दूंगा कैसे उसको, मतलब ये तो सॉफ्टवेयर में करोगे कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व, कोई भी एक एग्जांपल को अप्लाई करके
जैसे कि घर के लिए भी कर सकते हो, बिल्डिंग डिजाइन भी कर सकते हो, टैंक का डिजाइन भी दिखाया गया था, ये स्टील का डिजाइन भी यहाँ पर देख चुके हो। तो जो तुम्हें मतलब इजी लगे करने में, कंफर्टेबल लगे करने में, उसको करके तुम्हें क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, मतलब एक पीडीएफ फॉर्म में क्रिएट करना है उसको, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बोला जाता है। तो वो कल दिखा देंगे कैसे रिपोर्ट किया गया था। तो फाउंडेशन बाकी था, एक फाउंडेशन कैसे डिजाइन किया जाता है उसके लिए डिजाइन करते हैं। तो फाउंडेशन डिजाइन के लिए समझो कि एक सिंपल सा जियोमेट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके आरसीसी। उसके बाद कहाँ पे जाना है, समझे जो है उसको ही लेते, कितना करके, 3 करके, ठीक है। हाइट कितना लेगा, समझो कि 2 स्टोरीज बिल्डिंग है, तो फाउंडेशन डिजाइन होगा। तो फाउंडेशन के लिए तुम्हें देना पड़ेगा प्लेन का जो नीचे का जो ये है, वो 1.5 से 1.5 मीटर से 2 मीटर तक रहता है उसमें। तो उसके लिए समझो कि 3 3 6 7 7.5 करके डिवाइड करते हैं, 1.5, सिंपल अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे फाउंडेशन देखना है, इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, ये सब कुछ दिखाया गया। तो सिंपल डिजाइन लेके उसके ऊपर एक लोड देंगे, सिंपल सा मच कर दो। प्रॉपर्टी सेशन करना है, समझो कि बीम के लिए लेते हैं 3.3। कॉलम के लिए 5, असाइन करेंगे, जानते हैं कैसे सिलेक्शन करना है हमें। सपोर्ट देना है, डायरेक्ट लोड एंड डेफिनेशन, डेड लोड और लाइव लोड ही लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। डेड लोड लाइव लोड लेके उसके ऊपर से ही डिजाइन करने का कोशिश करेंगे, और उसके ऊपर कंक्रीट भी डिजाइन करेंगे, और उसके बाद फाउंडेशन डिजाइन करने का कोशिश करेंगे। तो सेल्फ वेट एट सबके ऊपर असाइन करना है। अपडेट लोड में कैसे कैसे क्या क्या पुट करना होता है वो दिखा चुके थे हम लोग, समझो कि वही जो कैलकुलेशन कर रहे थे उसके ऊपर से ही ऐड करके देना है, मतलब तो कुछ लोड लेना चाहिए फाउंडेशन के लिए, डिजाइन होने के लिए। इसमें डेट लोड, लाइफ लोड, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, ये सब कुछ देख नहीं रहे, इसमें देखने का कोशिश कर दे फाउंडेशन। तो फ्लोर फिनिश और जो सेल्फ वेट और स्लैब है, मतलब फ्लोर लोड, तो 1 और फ्लोर फिनिश, और इसमें क्या था, 3.125, तो दोनों को ऐड करके 4.125 फ्लोर में बैठाएंगे।
लोड लोड माइनस जाएगा 4.125, एक एक बार ऐड नहीं कर ले, एक साथ ऐड करके दोनों को ही बिठा दे। 4.125 की साइड से की साइड तक रेंज, वाई का रेंज पूरा में जाएगा। तो जीरो से हाइट कितना लिए थे, 3 3 करके था और इसमें था 1.5, तो 7.5। कट चुका है। उसके बाद पार्टीशन वॉल और मेन वॉल ऐसे करके था और पैरापिट वॉल था उसमें। पार्टीशन वॉल 6.9 ऐसे करके डिजाइन करना चाहते हैं, समझो। एट मेंबर वेट 6.9 जी वाई ऊपर से नीचे तक, तो माइनस एट। इसको हम क्या करेंगे, पार्टीशन वॉल में देखे तो सिर्फ पार्टीशन वॉल के लिए डिजाइन करना चाहते हो तो कट करो पहले, क्योंकि ऊपर में पैरापिट वॉल है। ओके, पार्टीशन वॉल के लिए ऊपर चले आओ, क्लिक करो। ये सब हम लोग कर चुके थे, देखना याद है कि नहीं। इसके ऊपर ही मेन वॉल आएगा, तो फिर पूरा भी में करते मेन वॉल को ऐड करते। तो मेन वॉल के लिए 13 पॉइंट क्या लिया गया था, 13.8 एट फुल स्ट्रक्चर ऊपर में देना है, तो ऐड करते पहले पैरापिट वॉल के लिए क्या था। पैरापिट वॉल का हाइट 1.2 मीटर है, तो ऐसे करके निकल के 5.4 डाले थे हम लोग, तो ऐसा करो ऐड माइनस 5.4 एड। उसके बाद इस वाले ऊपर में चाहिए सिर्फ, तो कट करो फिर से, व्यू से कट करते हैं, ऊपर में चाहिए। होल स्ट्रक्चर लाइफ लोट समझो कि कोई एक लाइफ लोट ऐड कर देते हैं, माइनस 4 कहां से कहां तक, 0 से 7.5 तक ऐड। लोट कॉम्बिनेशन ऐड, लोट कॉम्बिनेशन इंडियन कोड सिलेक्टेड, जनरेट लोट ऐड हो गया है। एनालिसिस करके देख लेते हैं तक से सब बूट हुआ कि नहीं। ठीक है, अब क्या करके डिजाइन करके पहले, तो
स्टे ऑन मॉडलिंग मोड, डन। डिजाइन किसका डिजाइन करके, कंक्रीट का, देखो कंक्रीट आते है कि नहीं। कंक्रीट के लिए कौन सा कोड चूज किए थे हम लोग, चूज किए थे कंक्रीट के लिए IS 456। IS 456 में पहले सिलेक्ट करो वही बात कि कैसे कैसे क्या क्या चीज लेना है, तो देखो याद है कि नहीं क्या कर लिए। तो अवेलेबल मिल गया सबको पहले, उसके बाद जो जो करना है उसको करो। तो क्लियर कवर देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस लेवल टू मेंबर एज, तो क्लियर कवर रहेगा बीम के लिए एक, कॉलम के लिए एक क्लियर कवर देंगे, तो क्लियर कवर ले लिए। उसके बाद जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का उसको डिजाइन करेंगे, या पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट के बाद आएगा ईएल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो पड़ रहा है रेन्फोर्समेंट स्टील का और शियर रेन्फोर्समेंट का, दोनों को डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, रेशियो, क्रॉस सेक्शनल रेशियो जो था उसमें, तो मैक्सिमम रेशियो ओके तो डिफाइन करो। क्लियर कवर ले रहे थे या थे बीम के लिए, क्या ले रहे थे बीम के लिए, हम लोग ले रहे थे 25 mm, मिलीमीटर से हम लोग डिजाइन करने का कोशिश कर रहे थे। 25 मिलीमीटर है यहाँ पर, देखो मीटर करके पड़ गया मीटर, मीटर से। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए असाइन करेंगे, तो 0.025 बीम के लिए आ गया। तो एक बारी में ऐड कर लेते हैं, उसके बाद सबको एक एक से पुट करें, वो करने से आसानी मिल होती है, नहीं तो एक ऐड करो उसके बाद असाइन करो फिर से ऐड करो असाइन करो, टाइम लगता है। तो क्लियर कवर बीम के लिए दे चुके हैं, कॉलम के लिए बैठेगा, तो कॉलम के लिए बैठता है 40 मिलीमीटर, मतलब 0.4 कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 25 किलोमीटर एल स्ट्रेंथ ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट स्टील के मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो पड़ रहा है वहां पर 500 किलो न्यूटन। और इसके लिए पड़ रहा है सेकेंडरी जो बोल रहे हैं इसको, FI सेकेंडरी बोलते हैं, 615। बीम के लिए रेशियो 1.5 लिए थे, कॉलम के लिए रेशियो 5%। कमांड में जाने के बाद डिजाइन करूंगा किसको डिजाइन चाहिए, बीम के लिए बीम डिजाइन है तो बीम के लिए ऐड करूंगा, उसके बाद डिजाइन कॉलम भी चाहिए ऐड करूंगा, और पूरा टेक ऑफ टू के लिए ऐड असाइन करा एक साथ। इसके लिए हुआ था बीम के लिए बोलते बोले थे क्लियरेंस, तो सिलेक्ट एक्स सिलेक्ट सिलेक्ट कॉलम के लिए 1.5 किसके लिए थे, बीम के लिए, कैनवास
सिलेक्शन करते दिखा देते। सिलेक्शन करने का बहुत सारे तरीका है, ये भी यूज कर सकते हो, स्पेसिफिकेशन यूज करते हो, मिसिंग एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो। जैसे जैसे तुम्हें क्रिटिकल कॉम्बिनेशन रहेगा सिलेक्ट करने में तो उसको यूज किया जाएगा। बीम कॉलम डिजाइन, हो गया फिनिश। अब तो सिंपल स्ट्रक्चर है तो इसलिए देखना कि ज्यादा एरर नहीं आएगा। एरर आएगा तो तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा किस बीम के लिए वो सेक्शन में फेल दिखा रहा है, तो उस बीम के लिए क्रॉस सेक्शन जो एरिया है उसको बढ़ना पड़ेगा। हो गया है सिंपल। तो हम लोग क्या कहाँ जाएंगे, फाउंडेशन डिजाइन में जाएंगे। तो फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है उसको चेक करेंगे, उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके चेक कर सकते हो। ये हम लोग कर चुके, देख चुके हैं फाउंडेशन डिजाइन। तो स्टे इन मॉडल डन। तो फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए यहाँ पर फाउंडेशन डिजाइन लिखा गया है, पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद फाउंडेशन डिजाइन आता है। तो फाउंडेशन डिजाइन में क्लिक करो, ठीक है। तो किसके लिए डिजाइन करना चाहते हो, ये सबके लिए, सब डेट लोड लाइफ लोड जो कॉम्बिनेशन डाला गया है उसके लिए, सबके लिए फाउंडेशन डिजाइन होगा इसमें। तो क्या करना है, इंक्लूड ऑल करना है। तो ये सबके लिए सब चीज आ जाएगा, सिलेक्टेड लोड्स जो जिसके लिए फाउंडेशन डिजाइन होगा उसमें। तो इसके बाद हमें क्या करना है, रन स्टार्ट फाउंडेशन में क्लिक करना है। तो ये क्या करता है, वहां से ही फाउंडेशन का जो ये है उसके लिए ओपन करेगा। अब फास्ट क्या करना है, ठीक है, ये हमारा जो ये है जो सपोर्ट दिया गया है इसके ऊपर से ही फाउंडेशन डिजाइन होगा। तो इसमें तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट ये जो लोड्स एंड फैक्टर है उसमें क्लिक करेंगे। लोड्स एंड फैक्टर में क्या करना पड़ेगा, इसकी फाउंडेशन जेनरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पर जेनरेट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से लोड कॉम्बिनेशन जेनरेट करेंगे। कैसे लोड कॉम्बिनेशन जेनरेट करेंगे, यहाँ पर जेनरेट लोड कॉम्बिनेशन बोला गया। तो जेनरेट लोड कॉम्बिनेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोड कॉम्बिनेशन का जो टेबल है उसमें से कोड को सिलेक्ट करो, इंडियन कोड, और उसके बाद जेनरेट करो। पहले जेनरेट करो क्योंकि इसको क्रिएट करने के लिए फिर से लोड कॉम्बिनेशन डाला जाएगा यहाँ पर या इस फाउंडेशन में। तो जेनरेट लोड फाउंडेशन, लोड फाउंड कॉम्बिनेशन जेनरेशन कंप्लीटेड, ओके। अब आएगा क्रिएशन का, मतलब फाउंडेशन जो क्रिएशन करना है वो कैसे क्रिएशन करते हैं। तो इसमें देखना कि रहेगा जॉब सेटअप। अब तुम तुम्हारे तरीके से जॉब इनफो दे के, या पर जॉब इनफो है जनरल जो क्या करना है, किस तरीके से जॉब क्रिएट करना है और उसके लिए सब कुछ रहेगा। यहाँ पर देखना कि जॉब सेटअप में भी रहता है। तो इसमें क्या रहेगा, क्रिएट ए न्यू जॉब, मतलब किस तरीके का फाउंडेशन डिजाइन करना चाहते हो। वो तुम्हारा प्लेन फुटिंग होगा क्या, कॉम्बाइंड फुटिंग होगा क्या, आइसोलेटेड फुटिंग होगा, ऐसा करके। तो उसके लिए क्या करना है, तुम कैसे करके उसके लिए फाउंडेशन डिजाइन करना चाहते हो, उसके लिए न्यू एक जॉब क्रिएट कर दिया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जॉब सेटअप में क्रिएट ए न्यू जॉब में क्रिएट करना पड़ेगा। आप क्रिएट ए न्यू जॉब में क्रिएट करोगे तो इसके लिए ऑप्शन मिलेगा क्या है, पहले का मतलब किस तरह से जॉब के लिए कौन सा जॉब क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए ऑप्शन है। तो जॉब नेम दोगे तो तुम तुम्हारे तरीके से जो करना चाहते हो उसके नाम दे सकते हो। समझो कि मैं एक कोई भी एक नाम देता हूँ SS करके। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है जॉब टाइप, वही जो कौन सा टाइप से तुम फाउंडेशन को डिजाइन करना चाहते, आइसोलेटेड है क्या, कॉम्बाइंड है क्या, मैट जो
होता है, और पाइल कैप के लिए भी डिजाइन किया जाता है, तो ऐसे करके लिया गया। तो आइसोलेटेड और कॉम्बाइंड, कॉम्बाइंड मतलब समझो कि एक बड़ा स्ट्रक्चर में दो जो फाउंडेशन है एक के साथ एक मतलब ही कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है एक के ऊपर से दूसरा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बाइंड डिजाइन कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर आइसोलेटेड डिजाइन होगा, समझो एक एक के लिए डिजाइन होगा। तो आइसोलेटेड, अब आइसोलेटेड करने के बाद डिजाइन कोड सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंडियन कोड ही सिलेक्शन करेगा हम लोग। अब उसके बाद यूनिट टाइप, तो इंग्लिश है ऐसा ही कर लेते हैं। उसके बाद दिया जाएगा कि क्या क्या पुट करना है सपोर्ट में, क्या नहीं करना है, तो ऐसे कर। तो हमें इसके साथ कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कैसे करके टाइप क्या होगा उसको सिलेक्शन करूंगा। अब टाइप जितना है उसको सिलेक्शन कर लिए, तो उसके लिए अवेलेबल लोड केसेस आ जाएगा। अवेलेबल लोड केसेस क्यों आया है, क्योंकि जेनरेट कर चुके हो, तो लोड केसेस जो है और उसके बाद जो लोड कॉम्बिनेशन हुआ है वो आ जाएगा यहाँ। तो इसको आ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या है अवेलेबल है, तो तुम्हें तुम्हारे जॉब के लिए उसको यहाँ पर ले आना पड़ेगा, सिलेक्टेड लोड केसेस में लिया ले आना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ये जो एरो बटन है इसको क्रिएट करें, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने से क्या होगा, जो टाइप है हमारे यहाँ पर टाइप है वो इस लोड कॉम्बिनेशन के ऊपर आके वो क्या करेगा, फाउंडेशन डिजाइन करेगा इसके लिए। तो हमें क्या करना है, क्रिएट जॉब में सिलेक्ट करना है। तो क्रिएट जॉब में एक सिलेक्ट करोगे तो आइसोलेटेड फुटिंग जॉब में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक एक करके डिजाइन करना होगा अब तुम्हें। अब डिजाइन किस कैसे कैसे डिजाइन करना पड़ेगा, तो तुम्हारे तो वहां पर जो वैल्यू आएगा, मतलब वैल्यू है तुम्हारे पास, जो समझो कि कंक्रीट और रिवर दिया गया है, तो इसमें देखना कि मतलब डिफॉल्ट एक स्ट्रक्चर पुट किया जाएगा, पर तुम जो डाले थे मतलब उसमें डिजाइन करने के लिए कंक्रीट में, तो वो सब यहाँ पर मौजूद रहेगा। और तुम तुम्हारे तरीके से चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पर से चेंजेस कर सकते हो इसमें से, ठीक है। और कवर्ड एंड सॉयल, अब कवर्ड एंड सॉयल, सॉयल इंजीनियर के पास जो वो मतलब टेस्ट सॉयल टेस्टिंग करके जो वैल्यू यहाँ पर देगा उसको तुम यहाँ पर पुट कर सकते हो। जैसे कि समझे कि बॉटम क्लियर कवर क्या रहेगा यहाँ पर, मतलब हमारे प्लान के मुताबिक है एक क्या दिया गया है, डिफॉल्ट एक चूज किया गया है। अब तुम तुम्हारे तरीके से उसको क्या कर सकते हो, उसको चेंजेस भी कर सकते हो। क्या पुट किया जाता है वो एक डिफॉल्ट वैल्यू दिया गया है इसमें, तो देखना कि उसमें रहेगा। अब तुम तुम्हारे तरीके से चेंजेस करना चाहते हो, कहाँ पे क्या चेंजेस होगा उस मुताबिक तुम तुम्हारे तरीके से इसमें पुट करके चेंज कर सकते हो। जैसे कि सॉयल बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, वो टेस्टिंग के टाइम पता चलता है। तो ऐसे करके फुटिंग के जियोमेट्री भी यहाँ पर पूरा मतलब डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर। तुम तुम्हारे तरीके से चेंजेस करना चाहते हो तो चेंजेस कर, उस मुताबिक चेंजेस होके उसमें डिजाइन आएगा, उस तरीके का डिजाइन आएगा। नहीं तो एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर तुम तुम्हारे तरीके से जो आइसोलेटेड टाइप जॉब क्रिएट किए थे उसके मुताबिक आ चुका है, ठीक है। सब कुछ दिए मतलब डिफॉल्ट वैल्यू ले ले चुका है उसके, जो करना है तुम्हें तो सॉफ्टवेयर दे देगा उसमें। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर डिजाइन करना है। चेंजेस करोगे तो चेंजेस करके डिजाइन करना है, नहीं तो डिजाइन में क्लिक करो, यस करो और डिजाइन कर देगा। अब देखना फुटिंग नंबर वन में जो डिजाइन होगा सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, इसके मुताबिक जो कैलकुलेशन करना होगा फुटिंग ज्योमेट्री क्या क्या निकलेगा वो सब यहाँ पर डिजाइन करके ये वैल्यू भी पुट किया गया। अब कैसे करके दिया, क्या क्या लिया गया है, किसके ऊपर से क्या लोड पड़ रहा है, क्या क्या वैल्यू है वहाँ पर, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है डिजाइनिंग स्ट्रक्चर में इस पीडीएफ फॉर्मेट में। तुम इसको फिर से सेव करके प्रिंट आउट कर भी सकते हो, एक पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाता है ऐसा डिजाइन। ये क्या है, कैसे कैसे कैलकुलेट हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर। इफेक्टिव डेप्थ के लिए क्या कैलकुलेशन ले रहा है करके डिजाइन कर रहा है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। और डिजाइन का स्ट्रक्चर कैसे दिखाएगा ये तो देख पा रहे हो, तो यहाँ पर फुटिंग का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, और उस स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या क्या चीज लेना है वो यहाँ पर मौजूद है। तो फाइल को ओपन करके देखना, देख के देखोगे कि समझ पा रहे हो कि नहीं। सब कुछ प्रूफ डेट है यहाँ पर। अब इसके ऊपर तुम्हें क्या करना है, इसके ऊपर तुम्हें एक
प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ये तो एक पार्ट है, फाउंडेशन का एक पार्ट है। ठीक है, फाउंडेशन तक ही पूरा करना है ऐसा नहीं है, तुम्हें तुम जितना दूर कर सकते हो, मतलब एरर फ्री निकल सकते हो, उस तरीके का करके उसको सबमिट करोगे। ठीक है, तुम्हारा जो ट्रेनिंग है फ्राइडे तक ही खत्म हो जाएगा, पर देखना एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक में क्या 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 बोला जाएगा कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है उसको सबमिट करो। अब प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करोगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे जो दिखाया गया था उसके ऊपर बेस करके, कोई एक खुद से क्रिएट करना होगा, खुद से एक डिजाइन करना होगा, खुद से एक एनालिसिस करना होगा, और एनालिसिस करने के बाद उसको एक डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, मतलब एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो कैसे करके रिपोर्ट बनाओगे, पहले देखोगे कि क्या करोगे, तो क्या कर सकते हो, कोई भी डिजाइन बना सकते हो, हाउस का डिजाइन बना सकते हो, डेड लोड लाइव लोड अर्थक्वेक लोड लेके डिजाइन कर सकते हो, या डेड लोड लाइव लोड लेके कंक्रीट का डिजाइन कर सकते हो, फाउंडेशन डिजाइन करोगे तो ऐड कर देना फाउंडेशन डिजाइन जो दिखा गया था, तो उसके मुताबिक तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के लिए तुम जो प्रोसेस करे उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है कल दिखाएंगे, कल और एक एग्जांपल दिखाएंगे कैसे कैसे क्या हो सकता है, क्या लिया जा सकता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन किया जा सकता है, वो एक डिफाइन करेंगे। अब तुम समझोगे, बोलोगे कि बिल्डिंग डिजाइन नहीं करेंगे, तो देखोगे डिजाइन सिखाया गया था किसके लिए, टैंक के लिए भी दिखाया गया था, टैंक के लिए भी कर सकते हो, या तुम्हारा जो स्टील का स्ट्रक्चर है जो दिखाया गया था उसके लिए भी कर सकते हो, जो इसमें दिखाया गया था उसके ऊपर ही तुम क्या करोगे, एक वर्क करके उसके प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर दो। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके मुताबिक ही तुम्हारा यहाँ पर सर्टिफिकेट तुम लोग के पास पहुंच जाएगा। तुम्हें क्या करना है, जो ये इसमें अप्लाई हुआ है उसी के ऊपर ही काम करके उसको सबमिट करना। अब प्रोजेक्ट जो करोगे खुद ब खुद करोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर दिखाया गया है वही पुट कर दो, कर सकते हो पर खुद को मतलब खुद क्रिएट करके करने का कोशिश करना। आप प्रोजेक्ट वर्क चालू कर दो तो फ्राइडे के अंदर ही खत्म करने का कोशिश करना, तो क्या होगा, तो जो समझो कि कुछ गलत कर रहे हो तो हमसे चेक करके भी दे सकते हो, चेक करके मैं भी बोल सकता हूँ, सॉल्यूशन दे भी सकता हूँ कि क्या कैसे खत्म करना है उसको, मतलब सॉल्व करना है। देखो कोई क्वेश्चन है तो बोलो, किसी के पास मेरा कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, दोनों कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, जो कर रहे थे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो करने का कोशिश करो, जो प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करेंगे, 2 दिन बाकी है तो उसमें सॉल्व करेंगे, जो करना है वो ट्राई करने का कोशिश करो, और जिसमें प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करने का कोशिश करें, और मैं भी दिखा दूंगा क्या क्या हो सकता है और भी एक्स्ट्रा चीज़। तो पहले तुम लोग ट्राई करो, ट्राई करने के बाद मुझे बोलो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है।